तो आज मैं जाने वाला हूँ इंडिया के हर एक मोमो आउटलेट, वहाँ के टेस्ट का पर्दाफाश करने। मैं भी तो जा रहा हूँ। यस। अब आओ पता लगाएं कि इंडिया की इन 5 लेजेंडरी मोमो प्लेसेस में से किसका टेस्ट है टोटल तबाही। तेल देखो भाई। चलो दिल्ली के बेस्ट मोमोज ढूंढने की रेस में ये हमारे अगले मोमोज का स्टॉल है, जो कि दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में पड़ता है और मेरे ख्याल से ये दिल्ली का, इनफैक्ट पूरे इंडिया का सबसे पुराना और सबसे मशहूर मोमोज की दुकान है। इसका नाम है डोलमा आंटी मोमोज। इसके मोमोज तो देखो डेफिनेटली पसंद होंगे। नहीं अरे नहीं भाई, मैंने इसके तो खाए नहीं, पर अपने चमन वाले के खाए हैं, जो गली के पीछे वाली गली में लगाता है। बेस्ट है भाई। आजकल मोहल्ले वाले बड़ी कंप्लेंट कर रहे हैं कि उसकी दुकान के पास कुत्ते नजर नहीं आ रहे, तो उसकी दुकान में टेस्ट भी नजर कहाँ आ रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। पता नहीं क्या गड़बड़ा है, लेकिन चलते हैं आपको डोलमा आंटी के मोमोज दिखाते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना है, दो दो डोलमा है। हाँ बार भाई स्कैम चल रहा है। भैया एक बात बताओ, ऑथेंटिक ओरिजिनल डोलमा आंटी मोमोज यही है ना? डोलमा आंटी यही है। और रामू कौन है उनमें? हाँ तो मैंने वीडियो में देखा था कि जो एक्चुअली डोलमा आंटी है उनके जो सन है वो यही है जिनकी ये दुकान है। अब मुझे एक बात बताओ, बाहर वाली जो दुकान है वो किसकी है? वो भी हमारी है, अभी ब्रांच नया खुला है। आपकी है? हमारी है। पूरी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। तो पूरी दिल्ली में जितने भी डोलमा आंटी मोमोज है सारे आपके? हाँ जी। अरे आप तो भैया फिर बहुत अमीर हो गए। भैया का नाम रामू और है सेठ जी। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। आपके बेस्ट मोमोज कौन से हैं? चिकन ज्यादा जाता है। चिकन मोमोज। सबसे पहले शक्ल की जहाँ तक बात करूँ ना, तो मेरे ख्याल से थोड़े से ओवरस्टीम हो गए हैं। देख तुझे कुकिंग की मेरे से ज्यादा नॉलेज है। हाँ यार ये देखना है ना, झूल रहे हैं। कुकिंग की भी ज्यादा नॉलेज है और इसको पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ऐसी झूलती हुई चीजें रोज देखता भी है। जब आपने मोमोज की शुरुआत करी थी उस समय दिल्ली में मोमोज होते थे? इसमें नहीं थे, ये मार्केट में, ये पूरे मार्केट में कहीं नहीं थे। तो आपने कहाँ से सीखा और कहाँ से सोचा? ये तो हमारा खाना था पहले, डिश खाते थे घर पे। मम्मी ने ऐसे मार्केट में थोड़ा बहुत कहीं खोलेगा तो अच्छा चलेगा लग रहा है। अच्छा पहले तो था नहीं, कच्चा कच्चा क्या है बोलता था कस्टमर। अब तो देखो ना हर गली में मोमो है। ये तो है यार। ओहो ये तो बवासीर वाली खाली मैंने, बहुत चटनी में वो पंच है जो मोमोज में होना चाहिए। लहसुन गार्लिक का टेस्ट कमाल है, मैं सच बोलूंगा मेरे को मजा आया। अच्छे हैं भाई। नेट पे मैंने बहुत सारे रिव्यूज पढ़े थे कि दे आर ओवरहाइप्ड, बट सच बोलूं मुझे इतने बुरे नहीं लगे। नहीं एक मिनट यार, एक मिनट भाई, कितने के हैं भैया? कितने की प्लेट है चिकन वाली? 120 फुल, 120 रुपए में यहाँ लड़वा है 8 पीस। मतलब ये सेम टेस्ट हमारी गली के बाहर भी मिल सकता है, मिल सकता है सस्ते में। 120 रुपए में तो भाई वो पता नहीं ताजमहल बना देंगे वो। 120 के हिसाब से एक्सपेंसिव बोल सकते हो, बट ब्रांड बन गया, ब्रांड का नाम आ जाता है तो वैल्यू उतनी देनी पड़ती है। आई विल गिव इट अ गुड 8 out of 10। 120 रुपए में आपको 8 पीस मिल रहे हैं यार, क्या तो प्राइस की वजह से तुम मार्क्स काट रहा है और क्या। प्राइस की वजह से थोड़े से मेरे को भी काटने चाहिए। 7.5। आप अपना फेवरेट मोमोज बेचने वाले का नाम कमेंट सेक्शन में बताना, हम अगले पे चलते हैं। भाई दिल्ली की इस 40 डिग्री की गर्मी में मेरे ख्याल से दिल्ली वालों की ही हिम्मत हो सकती है मोमोज खाने की। और पहली बार हम मोमोज नहीं खा रहे, ये हम अगली लोकेशन पर मोमोज खा रहे हैं। और ये लोकेशन पड़ती है दिल्ली के नॉर्थ कैंपस, कहाँ पड़ता है? कमला नगर। नाम से लग रहा था मोमोज पॉइंट, एक पॉइंट होगा, एक छोटा खोखा होगा, खोखा होगा, ठेला होगा, छपरा होगा। अभी इतना एक बात बताता हूँ, इनके पता है कौन से मोमोज सबसे ज्यादा फेमस है? ये क्या है? बंदर नहीं है, आप गेस करो। स्नेल। पॉर्क मोमो सबसे ज्यादा फेमस है। तोबा तोबा तोबा, सुअर बोल, सुअर 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 पॉर्क कह के उसको एलीट बना रहा है। बैंड तो सुअर खाएंगे आज, बिकॉज़ हर जगह नालियों में घूमते हम लोग, हर जगह के बेस्ट सेलर मोमोज खाएंगे हम लोग, हर जगह के बेस्ट सेलर मोमोज खाने वाले, इसलिए यहां पे हम पॉर्क साले नाली में ट्राई करेंगे। पॉर्क मोमोज आओ लेट्स गो। सबसे पहले मेरे सुअर भाई की सुअर वाली एक्टिंग आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता। ये ऐसा इंसान है जिसको एक्टिंग करने की जरूरत भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं बोलता ना तब भी लगता है। ऑफ कैमरा ये मुझे बोल रहा था, पता तूने ना सुअर की एक्टिंग गलत की है, क्या ऐसे करनी थी तुझे करके। आप बताओ किसकी ज्यादा चूकी हो तुम दोनों। अच्छा ये मोमोज के लिए फेमस है, पर इन पर तो और चीजें बहुत ज्यादा है भाई, मैं इसको गलत जगह ले आया यार, ये बिल बिट पाएगा मेरा। इसे पता नहीं है, मैं इससे ज्यादा एक्सपेंसिव जगहों पे जाता हूँ। ओह माय गॉड, किसके साथ? सिगरेट है। सिगरेट है, सिगरेट है। आपको हर एक का नाम बताता हूँ। रेशमा, सुनीता, नहीं, 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 नहीं। भाई रुक जा, भाई रुक।
सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। तो भाई यहाँ पर हर वेरिएंट में हर टाइप के मोमोज अवेलेबल है, लाइक वेज, पनीर, चिकन, मटन और वो सारे स्टीम फ्राइड मसाला, तंदूरी, अफगानी और हनी टॉस आप सेम करवा सकते हो। और प्राइस रेंज 179 से शुरू है, 299 तक जा रहा है। यहाँ पे लिखा है पोर्क, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सुअर लिखा हो तो आप कभी ऑर्डर करोगे? बात में दम है। सुअर की तो घर पे गाली दे रहे, सुअर लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन हमारा देसी पार्ट 3 मिस करता है? हाँ यार, देसी पार्ट 3 बताना, फिर हम उसका काम करेंगे। अगर तुम्हें चाहिए कि देसी मच अवेटेड है, हाँ। ये वाले का रिव्यू देसी स्टाइल में, भैया जे का आ गया गोल गोल बकरे का लग रहा है। अगली बार करेंगे भैया, तुम रुक जाओ। हाँ भैया कर देते हैं यार, भैया हमारे वहाँ तो सुअर भैया कीचड़ में लोटे हैं। कीचड़ में लोटा भैया, गोबर नाली, गोबर में तो झूमू दे हैं। और बस बात हो गया, चलो खाना खाते हैं। वेट बहुत करना पड़ रहा है मोमोज के लिए, आई डोंट नो क्यों भाई। वेट इसलिए करना पड़ रहा है, अभी वो जो सुअर है वो नालियों में इधर उधर भग रहा होगा, ये जाएंगे उसको दबोचेंगे, पकड़ेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, फिर लाएंगे। अभी हमारा खाना ढूंढा जा रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं भाई इसकी शक्ल से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे सुअर के बच्चे को रोटी में लपेट के। यार मैं बताऊं तो भाई ये मुझे पुराने लग रहे हैं कि जैसे अभी ना बने हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं इससे अग्री नहीं करना चाहूंगा। देखो बढ़िया लग रहा है, 239 की प्लेट है, स्टीम वाले वर्जन में हमने मंगाया। लेट मी ट्राई। चेस। तू तो खाएगा ना? सोच रहा हूं। कैसा है? चिकन से डिफरेंट है। आ रहा है नाली का टेस्ट आ रहा है? नहीं नहीं, इसका टेक्सचर चिकन से थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट है। टेस्ट बोलूं, प्राइस इट्स फाइन, 8 पीस, 230 के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव बोल सकते हो। ओवरऑल रेटिंग मुझसे पूछे जाओगे, आई विल गिव इट 7/10। चटनी बहुत बढ़िया है, जा सकता है भाई, 7.5 भी जा सकता है। देखो बाकियों से ज्यादा पसंद आया भाई, गटर के आदमी को गटर का स्वाद ही पसंद आता है गाइस। ये था मोमोज पॉइंट इन कमला नगर रिव्यू। इसके बाद और भी दिल्ली की बढ़िया बढ़िया जगह बची, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लोकेशन। देखो इंडिया के बेस्ट मोमोज ढूंढने की इस रेस में अब जो अगली दुकान पर हम आए हैं ना, दुकान नहीं एक्चुअली एक रेस्टोरेंट है और वो पड़ता है दिल्ली के मोस्ट ऑथेंटिक तिब्बतन मार्केट मजनू का टीला में, और इस रेस्टोरेंट का नाम है TD रेस्टोरेंट। अब मेरे ख्याल से दिल्ली के बेस्ट मोमोज ना यही मिलते होंगे, क्योंकि तेरे को पता है मोमोज का ओरिजिन कहां पे हुआ था? कहां हुआ था? अरे कहां हुआ, तू जवाब देना। मैं तो पूछ रहा हूं कहां हुआ था। किस बात का असिस्टेंट है तू? तिब्बत नेपाल। अच्छा है ना, तो इस वजह से यहां पर सबसे ज्यादा चांसेस है ऑथेंटिक मोमोज मिलने के और दिल्ली के बेस्ट मोमोज मिलने के। तो जो मोमोज हम यहां पे ट्राई करने वाले हैं जिनका नाम है डेविल मोमोज, यहां मैंने 2-3 साल पहले ट्राई करे थे इंडिया एट मेनिया चैनल में, जहां पे हम लोग पहले थे। अगर आपने फॉलो कर रखा हो तब से आपको पता था। तू पहले इंडिया एट मेनिया चैनल, भाई बहुत पॉपुलर चैनल है यार। उनके कितने सब्सक्राइबर हैं? 8 मिलियन। तेरे और तेरे छोड़ना यार, ट्राई करते हैं। दूसरों की निवालों पे फलने वाला करो, जैसे की सुननी पड़ती है तुम्हारे चक्करों में। जाओ सब्सक्राइब कर लो, डेविल मोमोज खाते हैं। पता है ये एक गलती हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, मोमोज नहीं होता, इट्स मोमो। पोर्क यहाँ पे भी है, क्या महसूस करना वही यहाँ तो वो भी है। बस बेस्ट मोमो हमारा डेविल ज़्यादा जाता है। पहले तो ये बताता हूँ कि मुबारक हो, क्योंकि हमने इंडिया में बेस्ट मोमो सर्च करे थे, उनमें आपके रेस्टोरेंट का नाम एक आया है, मालियन किचन वगैरह है यहाँ पे, उनसे बेटर है आपका मोमो। बिल्कुल अच्छा है, इंडिया में बेस्ट है। मेरा सर्टिफिकेट देख लीजिए। हैं? दिखाओ। लेट मी गो एंड चेक। ये देखो ना मेरा इंट्रोडक्शन तो ले लो आप, बेस्ट फूड क्रिटिक ऑफ इंडिया। इसे हमें सरकार की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जगह जगह जाके मोमोज खाने हमें। एक्चुअली अवार्ड है कि बेस्ट मोमो इन दिल्ली NCR का। ये वैसे ही है जैसे ये खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है। तेरे भाई ने कितनी जगह फ्री का खाना खा लिया, दिखा दिखा के। कुछ शर्म आया है। अजी मोमोज हमारे आ गए हैं, जितने स्केरी है मेरे को हॉट में लग रहे थे या लास्ट टाइम जब मैंने खाए थे तब लग रहे थे, इस बार उतने ही नहीं लग रहे। प्राइस में बताऊँ तो 260 है, मेरे ख्याल से 8 पीस मोमोज ही है, एक्सपेंसिव साइड में इनको पकड़ सकते हो। जाइंट पोर्शंस, वेरी फिलिंग। डेविल तो हेवन जैसा लग रहा है, बट इट इज में वाकई अच्छा, मतलब पहली बाइट खाई है एंड फील्स लाइक कि भाई आए और आए। सच बोलूं एक शब्द में मजा आया, मजा आया। इसको अगर 9 दे देंगे ना आगे वालों के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। 9 के लायक तो है, 8.5 दे रहा हूँ, सेफ मार्जिन बचा के चल रहा हूँ। मैं 9 दे रहा हूँ, जैसे कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ ना, मेरी बिना मैं तो हूँ फूड क्रिटिक, तू हो ना हो इसका वैल्यू करे ना करे मेरा जरूर करता। 8.5 नंबर मैं अभी के लिए देना चाहूँगा, मैं स्कोप बचा रहा हूँ कि और हैं तो क्या पता वो इससे बेटर हूँ। दिन की अगली मोमो स्पॉट के लिए हम आए हैं कनॉट प्लेस में, जो कि हमारा अड्डा रहा है क्योंकि हम लोग बहुत बड़े प्रैंकस्टर्स हैं। यहाँ पे मैं इसकी चड्डी उतार के भागता था।
और उसको सूंघता था फ्लूट बना के। आज हम यहाँ पे चड्डी के नशे नहीं बल्कि मोमोज के नशे करने आए हैं, क्योंकि हमें पता लगा यहाँ पे भेती द हिमालयन किचन नाम की दुकान है और ऐसा रेस्टोरेंट है जो एक्चुअली में मोमोज पता है कहाँ सर्व करता है, नेपाल काठमांडू में भी। और यहाँ पे पता है कौन से मोमोज फेमस है, कोठे मोमोज। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, ये तो कट रहा है। दिल्ली, मालवीय नगर, गुड़गांव, पुणे, गोवा, मुंबई, सबसे ज्यादा फैला हुआ जो रेस्टोरेंट है ना मोमो में वो ये है। जैसे संजू की जैसे आयुष के मोमो। जैसे ना नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे रेस्टोरेंट की क्लास बढ़ती जा रही है। सही बोला मेरे भाई ने, इसकी क्लास नहीं बढ़ रही ये तब भी ट्विच के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। वो तो खैर मेरे भी नहीं बढ़ रहे हैं। फिर शुरू करवाएगा, सॉरी भाई। चाहता है कल कलेश हो जाए इस वीडियो में। एक साल तक वीडियोस में आए बिना चैन नहीं मिला क्या? पब्लिक जवाब दो इसको। देखो एस्थेटिक और वाइब और एम्बियंस, ये तीनों वर्ड का जो भी मतलब होता है वो सेक्सी है। आप और क्राउड भी एक बार ही वैसे तो खाया जाए। वैसे इनकी स्पेशल हर जगह हम खा रहे हैं ना, वो वहाँ के बेस्ट सेलर है। जैसे इनका बेस्ट सेलर, इनकी स्पेशलिटी है कोठे मोमोज। साड़ी के दिमाग में कोठे है, वो कोठे चल रहा है। अबे तो भाषा का फर्क है ना, नेपाल में कोठे बोलते हैं, हम कोठे बोलते हैं, ये कोठा बोलता है, कोई चकला बोलता है, कोई बेलन बोलता है। गाइज इसकी बातें इग्नोर करिए, साला जब जब आता है ना वीडियो में, वीडियो को एडल्ट 18 प्लस बना देता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसको एक साल के लिए दोबारा गायब करना है कि नहीं करना है, प्लीज बताओ जरा। ले लो लोडा। हमारे 450 रुपए के मोमोज आ गए हैं। मैं एक चीज बताऊं, ये चटनी भाई सुपर हॉट, बट मोमोज बताऊं बहुत तरीके से टाई कर रखे हैं, ऐसे ना थ्रेड की तरह बांध रखे हैं। क्या बात, दिखने में बहुत सेक्सी लग रहे हैं, अंदर से दिखाता हूं। इसे बोलते हैं जूसी मोमोज का जूस, देख कैसे चारों तरफ से बैठे हैं। भाई ये असली नहीं है, मैं असली लेता हूं भाई। चटनी लाजवाब। ओवरऑल बोलू कि एक खाने के बाद और खाने का मन कर रहा है तो यस कर रहा है, क्योंकि चटनी का फ्लेवर बहुत बढ़िया है। अंदर की स्टफिंग कुड हैव बीन बेटर, 450 रुपए के हिसाब से वर्थ नहीं बोलूंगा, बट चीज बढ़िया है, ट्राई करनी चाहिए। मेरी नजरों में 7 से 7.5 नंबर का आइटम है। बाकी ये इसका क्या मायने रखता है, अगली लोकेशन पर चलते हैं। अबे रुक जा भाई, बताने दे। भाई किस बेस पे तुम्हारा ये फूड क्रिटिक इसको 7.5 अंक दे रहा है, मुझे नहीं पता। भाई पहली चीज तो ये देखो, ये तेल देखो भाई, ये 10 रुपए के 10 मोमोज खाने वाले हमें तो एटलीस्ट ना सिखाए। अबे ऑलिव ऑयल है भाई साहब, ऑलिव ऑयल अगर हुआ ना बिल मैं भरूंगा यहाँ का। इतनी बड़ी बात कह दी मैंने भाई, उसने देखा नहीं था। आदिस मेड इन ऑलिव ऑयल, साला बार बार बिल देने से बच जाता है। हम चलते हैं अगली लोकेशन पर। ये मेरे ख्याल से आज के दिन की लास्ट लोकेशन है, बहुत फेमस है अपने मोमोज के लिए। क्या स्पेशल होने वाला है, विल फाइंड आउट टुगेदर, लेट्स गो। हम आए हैं 5-star होटल शांत पैलेस, जहाँ हमारी दिन की आखिरी लोकेशन है, वेयर वी आर गोइंग टू ट्राई। व्हेन यू आर एट अ 5-star होटल ना, व्हेन यू कॉल इट डिमसम, यू नो व्हाट इज डिमसम? डिमसम इज अ बॉल ऑफ राइस शीट, देन राइस शीट नहीं, नो द व्हाइट समथिंग व्हाइट शीट मैदा, राइस शीट, देन इनसाइड वी पुट वेजी, देन इनसाइड पुट चीज। इट्स अ अपर क्लास वर्ड, हाउ डू यू नो देन? ये बढ़िया था गुरु। Flat, your mic drop. देखो अगर पॉइंट की बात कहूँ, जगह बहुत सेक्सी है और ऐसा लग रहा है किसी चाइनीज मूवी के सेटअप में आ गए हैं, और जैकी चैन अभी उड़ के किक मारने वाला है। इसको चैलेंज देता हूँ, ये ना फ्रेंच वाइन्स के नाम है। संजू आपको ये पढ़ के दिखाएगा, सबसे पहले आप देखो क्या लिखा है। Now Sanju read it. भाई अगर पढ़ दिया तो क्या? तो 50 रुपए। नहीं नहीं, एक दिन पूरा तेरी तरफ से मेरे को यहाँ पे 50 रुपए। 50 नहीं, वन नाइट। चल वन नाइट, लेकिन फिर सबके नाम पढ़ने पड़ेंगे। सबके पढ़ देंगे भाई। अच्छा भाई तो रेडी हो जा, तेरा भाई पढ़ने वाला है। पढ़ना। शतेल स्मिथ हॉट लाफीते बोर्डक्स पैसा लियोगना क्रैंस क्रो। मेरे को पता नहीं था ये वो बोल देगा, मेरे को लगा था चेटो बोलेगा, चेटो। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। अब पॉइंट पे आते हैं, यहाँ के मैंने पढ़ा है ट्रिप एडवाइजर के हिसाब से डिमसम्स की कैटेगरी में शांग पैलेस ऑल इंडिया नंबर 1 रेस्टोरेंट है। 1200। मैं तो वैसे पहले भी खा चुका हूँ, तो अब इतनी हैरानी की बात मेरे लिए तो नहीं बची, इसके लिए जरूर। नहीं मेरे लिए हैरानी नहीं है, बस 1200 रुपए है ना, है ना। जो फटी हुई चड्डी पहनने वाले, इसी ने दांत से काटी थी मेरी चड्डी, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, बाप की चड्डी फटी पड़ी है, बेटा चिल्ला रहा है सिस्टम। भाई ऐसी लाइफ जीनी है जिंदगी में, दिन रात बेंचो 5-star से उतर रहे हैं और जा रहे हैं, यही बात। 5-star से आ रहे हैं बेंचो पहाड़ों पे निकल गए, मजे ही मजे बेंचो, लद्दाख निकल गए ट्रिप मार रहे, मेहनत करूँ रात भर है ना। एडमा में मोरल डिमसम्स आ गए हमारे पास, भाई स्पेलिंग सुना दे।
देखो 1200 का मेन्यू में है, 1500 का इन टोटल। ये हमारे आज के दिन का आखिरी और मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ मोमो है। ये बेसिकली डंपलिंग है, ये ओपन डिमसम है। देखो मेरे को क्या लगता है, इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। अंग्रेजी में बकलोड़ी मत कर, हिंदी में सच बोल रहे हैं। जेन्युइन ओपिनियन, बेहतरीन। भाई मैं देता हूँ, ये वेजीज है, गोभी, गाजर और इस बकचोदी के अलावा कुछ नहीं भरा। वो उनको भी खोल कर ढंग से बांध के नहीं दिया। कच्ची। आप 1500 रुपए दे रहे हो ये कच्चा खाना खाने के। इसमें चीज भी नहीं है। अगर मजाक हटा कर कहा रहा है, मतलब हमारे टेस्ट के नहीं है। शायद फॉरनर गेस्ट होंगे, शायद अमीर लोग होंगे, रईस जादे, जो ये खा पाए और इनका टेस्ट समझ पाए, बट आई कैन नॉट। बहुत ज्यादा रॉ है और दूसरी चीज फ्लेवरलेस। वो वैसे उन्होंने, इनकी गलती नहीं है, उन्होंने मेरे को बोला था कि फ्लेवरलेस होने वाले, वैसे ही वो थे। मेरी नजर में आज का होल एंड सोल समरी अगर मैं बताऊं, TD रेस्टोरेंट मजनू का टीला डेविल मोमो माय फेवरेट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या बोलना चाहता हूं, आप इस वीडियो पे 100,000 लाइक्स कर दो, ताकि अगली वीडियो में नेपाल आके मनाऊं, नेपाल में सारे हर जगह। अभी के लिए मैं उससे चाहूंगा अलविदा। अगली वीडियो का कोई भी सजेशन हो, या इसको दोबारा वापस लाना है नहीं लाना, इसका मुंह तोड़ दो, इसने कमेंट करना मेरे नाम तो कमेंट सेक्शन में बताना है। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस, आई लव यू। आई थिंक आई विल रुइन द पार्टी, आई शुड नॉट गो, आई फील लाइक I should disappear. Wait, what's this? Binomo? Thanks to Binomo, I have found the perfect way to get that extra income and make everyone happy.